एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पिता, एक स्नेही व प्यारे दादाजी व मेरी माँ के स्वरूप एक अच्छे जीवन साथी, एक अच्छे पति व संपूर्ण परिवार के प्रति सदैव समर्पित, जिम्मेदार व सफल व्यक्तित्व के धनी व गुणी मेरे मार्गदर्शक, मेरे पिताजी, मेरे पापा श्री एपी त्रिपाठी जी को सादर प्रणाम। अपनी लाइफ के, अपनी जिंदगी के 36 साल अपनी सर्विस को, अपने बच्चों के करियर को, उनकी शिक्षा दीक्षा को समर्पित करने के लिए, पूरे परिवार को देने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस एवरीथिंग पापा। आपका सहृदय बार बार धन्यवाद करता हूं कि आज आपने हमें इस काबिल बनाया कि आज आपके दोनों बेटे, बड़ा बेटा मैं विशाल त्रिपाठी और मुझसे छोटे प्रशांत त्रिपाठी, आज हम दोनों इस काबिल हैं कि अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी जिंदगी से जुड़े हुए हर एक निर्णय लेने में सफल हैं, सक्षम हैं। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप जैसा पिता पाकर हमारा ये जीवन धन्य हुआ। थैंक यू सो मच। आपसे सीखा हुआ हर एक गुण, आपसे सीखी हुई हर एक बातें और आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल मेरे लिए हमेशा मीठी सी यादें हैं, जिन्हें मैं अपने पास हमेशा सजो के रखना पसंद करता हूं। मुझे आज भी याद है आपकी पहली पोस्टिंग गांव मैथरपुर, जनपद बरेली, उत्तर प्रदेश। आपके पास उस समय प्रिया स्कूटर हुआ करती थी, हालांकि मेरा बचपन था उस समय, लेकिन मुझे आज भी याद है आपका वो मुझे आनंद निकेतन विद्याश्रम स्कूल लाना और ले जाना। अस्पताल से वापस आते वक्त एक बाजार पड़ती थी नरियावल, जहां पर आपका रेगुलर हमें खिलाना पिलाना, घुमाना टहलाना और 1 रुपए गन्ने के जूस के गिलास को मैं कैसे भूल सकता हूँ। संडे टू संडे बरेली में प्रभा टाकीज में पिक्चर, उसके बाद बटलर प्लाजा और सिलेक्शन पॉइंट मेन मार्केट बरेली के इर्द गिर्द गोलगप्पे और डोसे की डिनर पार्टी को भी मैं भूल नहीं सकता। हालांकि उस समय सिर्फ आप, मैं, प्रशांत और मम्मी ही थे परिवार में, भले ही आज ईश्वर की अनुकंपा से हमारा परिवार बढ़ चुका है, दिव्या, अनय, अमय और रजनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बट ट्रूली इट वॉज द वंडरफुल टाइम दैट वी हैव स्पेंट टुगेदर बीइंग एज अ फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। उस समय आपके पास एक बाइक हुआ करती थी, बजाज कावासाकी फॉरेस्ट चैंपियन। 2 बजे आपके अस्पताल से वापस आने का इंतजार हम उसी तरह से किया करते थे जिस तरीके से उस समय रामायण और श्री कृष्ण का किया करते थे। धीरे धीरे हम और प्रशांत दोनों बड़े हुए, मेरे करियर से जुड़े हुए निर्णय व मेरी पढ़ाई की तैयारी से लेकर मेरे इंटरव्यू, सिलेक्शन, रिजेक्शन, पास, फेल्योर, हर परिस्थिति में आपका मेरे साथ ढाल बनकर खड़े होना और मुझे सपोर्ट करना, मुझे कभी ना टूटने देना, मेरी यादों में सदैव सदैव अंकित रहेगा। थैंक यू सो मच पापा फॉर गिविंग अस अ ट्रीमेंडस सपोर्ट दैट यू हैव गिवन, दैट कैन बी डन ओनली बाय द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। या सो आई रियली प्राउड ऑफ यू एंड यू आर द बेस्ट फादर ऑफ द वर्ल्ड। आज आपकी और मम्मी के परिश्रम का ही फल है कि आज आपके दोनों बेटे, मैं और प्रशांत, हम दोनों सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, सेल्फ डिपेंडेंट। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी में लिया हुआ आपका हर एक निर्णय, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहा हो, हमारी परिवार से जुड़ा हुआ हर एक निर्णय आपका सफल रहा, एंड दैट इज वाई आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। यू हैव गिवन अस अ ग्रेट सपोर्ट दैट ओनली अ बेस्ट फादर कैन डू फॉर अ फैमिली। आज मैं इतना और कहना चाहूंगा कि आप के लिए कोई भी रिटायरमेंट जैसा फिनोमिनन, कोई भी रिटायरमेंट जैसा वर्ड नहीं बना, बिकॉज यू आर एक्सपर्टाइज। सो आप हमारे लिए कभी रिटायर नहीं है, ना कभी रिटायर थे। आपने जिंदगी में परिवार के लिए बहुत कुछ किया, अपने लिए चाहे कुछ किया ना किया, तो आपका सेक्रीफाई, आपका डेडिकेशन, इट वॉज सुपर। तो नाउ इट्स अ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस कि आपका थोड़ा समय हमें भी मिलेगा। और जिंदगी की इस भागदौड़ में इतना समय कब निकल गया, कैसे निकल गया, हमें कभी पता नहीं चला। सो अब हमारा पूरा समय आपकी सेवा में हमेशा सदैव तत्पर रहेगा। भगवान भोलेनाथ से बस एक यही प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु रहें और आपका आशीर्वाद मुझ पर, पूरे परिवार पर, हम सब पर सदैव सदैव बना रहे। आज आपके सेवानिवृत्त होने पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। वी ऑल रियली लव यू, वी लव यू अ लॉट। थैंक यू सो मच।